अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में माता टीला बांध से 4 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से शनिवार को यमुना नदी खतरे के निशान पार कर गई। वहीं बेतवा नदी ने खतरे के निशान को छू लिया है, जिससे बाढ़ ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक पुलिया पानी में डूब गई है, जिससे एक दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। इस सड़क में नाव चल रही है, ग्रामीण सड़क पर घरेलू सामान रख के गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। 3 दिनों में 6 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से दोनों नदियों में उफान आने से जिला पानी पानी हो गया है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन चौकन्या हो गया है। बाढ़ चौकियां हरकत में आ गई हैं। बूंद बूंद पानी को तरसने वाले बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में बिना बरसात के आई बाढ़ तबाही मचा रही है। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में खड़ी फसलों को पहुंचाया है। दोनों नदियों के किनारे बसे गांव वालों को सतर्क कर दिया गया है। कभी भी गांव खाली करने के आदेश दिए जा सकते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी गांव के आसपास बने आवासों के लोगों से संपर्क कर उनका हालचाल ले रहे हैं। बाढ़ आई तो रोड में बसा करती है, रोड में खाना बनाती, छेरी बोकरी लड़का बच्चा रोड में लिए पड़ी है। कोई प्रशासन ने आए खबर नहीं लिया। हमारे लड़का बच्चा पानी ऊपर से बरसता है, सामान भीनता है, बकरियाँ भीज रही है, लड़का बच्चा रो रहे हैं, भूख प्यास से कोई यहाँ खबर नहीं है। और कच्चा मकान है हमारा पूरा धस जाएगा, तो हम बच्चों अब बकरियाँ छेरी कहाँ रखेंगे, कोई यहाँ सुनाई नहीं है। क्या नाम है आपका? ज्ञानपति। कैसे गया सर? बेतवा नदी आ गई है, यहाँ ना कोई आ रहा ना कोई सुनाई है, ना यहाँ कोई प्रशासन कोई नहीं आ रहा है। जितना राशन पानी गल्ला था तो निकाला, जितने निकाल पाया तो बह गया है, सब भर गया सर, कुछ नहीं कर पा रहे, ना कोई यार नहीं नेकपाल आ रहा, ना कोई आ रहा है, ना यहाँ से सचू वचू कोई नहीं आ रहा कि कर निकालो, कोई जवाबदारी नहीं, कोई सुनाई कुछ भी नहीं, कोई आ रहा है ना कर रहा है, बताओ निकालो धरो कि जाओ कि धरो, ना कुछ कोई बताने नहीं है। क्या करें सर, रोड में निकाल के धर लिया है, और क्या करेंगे सर हम, ना डिया माँ ना कोई बताने तक नहीं आया, यहाँ के नदी आगे भर गई है ऐसा सर, अब क्या करें बताओ सर। तो सर कोई अभी तक देख रेख निकलने के लिए नहीं आया है, अपना अपना सामान घर में आप तो देख ही रहे हैं, ये पानी भरा है, अपना अपना सामान ऊपर रख लिया है, अभी प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया है। और आगे जो हो रहा है हो ही रहा है। बाढ़ है, गांव में पानी घुस गया है, फसलें खराब हो गई हैं, क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? यमुना बेतवा में पानी चूंकि बरसात का माता टीला से छोड़ा गया है बेतवा में और कोटा बैराज से यमुना में छोड़ा गया, दोनों नदियां यहां पर हैं, पानी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी सूचना हम लोग पूर्व से थी, पूर्व से हमारी तैयारी है, हमारा जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम काम कर रहा है, हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ कार्यरत हैं, गाँव में पहले से 3-4 दिन पहले से हम लोग अलर्ट कर दिए थे, तो कोई ऐसी जो है दिक्कत नहीं, NDRF को भी मौखिक रूप से भी लिखा पड़ी में भी सूचना चली गई है, उनको बुलाया गया है और उनसे लगातार बात हो रही है, हमारा स्टाफ चल रहा है, कोई कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है, और अगर आती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।